हमीरपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष एवं नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू का मेडिकल कॉलेज को लेकर की गई बयानबाजी पर बीजेपी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए सुक्खू को सपने न देखने की नसीहत दी। अग्निहोत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का काम फेजेस में चल रहा है और जल्द ही जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि सपने तो माधुरी दीक्षित के सभी देखते आए हैं, लेकिन लेकर तो डॉक्टर नैने चले गए, इसलिए सुक्खू भी सपने देखना छोड़ दें। कांग्रेस के द्वारा बीजेपी सरकार में हमीरपुर की अनदेखी के सवाल पर अग्निहोत्री ने कहा कि अपने कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह कितने दौरे करते थे ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरे प्रदेश का विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि नदौन विधानसभा क्षेत्र में ही सीएम ने जो घोषणाएं की थी वे एक साल में पूरी हुई हैं। प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर उनके नाम की चर्चा पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इच्छुक नहीं है और बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें पोस्टर लगाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, इसलिए किसी का नाम चलाना बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, इस करके किसी का नाम चलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व बैठकर जिस नाम पे मोहर करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा और उसके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। मैं कोई ऐसा इसमें कैंडिडेट नहीं हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए मैं इच्छुक हूँ। इस करके हमारा सिर्फ कमल का फूल ही एक नेतृत्व होता है जो जिसको मानकर सब लोग चलते हैं। पोषण के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला में चलाए जा रहे 30 सितंबर तक पोषण अभियान के तहत स्वास्थ्य खंड मार्कंड के तहत चुखाला पंचायत के रेडी में पोषण अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स व स्कूल के अधिकारियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की अगुवाई में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस शिविर में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ने स्कूल के बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार और स्कूल में दी जाने वाली आयरन की गोली लेने की सलाह दी, ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित न हो और न ही किसी बच्चे को खून की कमी हो। उन्होंने बताया कि पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, धात्री महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और कुपोषण से और अनीमिया से बचाना है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर तथा घर घर जाकर महिलाओं को पोषण आहार के बारे में जागरूक कर रही है तथा पोषण आहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि किस तरह का पोषण आहार बच्चों को देना है ताकि बच्चों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। मेले के आयोजन से जहां सांस्कृतिक और विरासत को बढ़ावा मिलता है, वहीं आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। आज के दौर में हमारी दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही विरासत और संस्कृति से आज की पीढ़ी भी रूबरू होकर इस संस्कृति और विरासत को जान रही है। ये बात नैना देवी के पूर्व विधायक, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने जुखाला में शायर मेले के शुभारम्भ पर कही। रणधीर शर्मा ने दावी घाटी के जुखाला क्षेत्र में आयोजित होने वाले शायर मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा बैल पूजन कर खुंडा गाड़कर मेले का शुभारंभ किया। रणधीर शर्मा ने सभी को शायर उत्सव की बधाई दी तथा मेला समिति को मेले के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस समिति को मेला आयोजन को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेले के आयोजन को लेकर कई राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु मेला समिति ने हार नहीं मानी और इस मेले का हर वर्ष सफल आयोजन किया। आज इस मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्राप्त है। इस मेले में कई मंत्रियों, मुख्यमंत्री व राज्यपाल शिरकत कर चुके हैं। और इस मेले की बदौलत क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष क्षेत्रीय मंत्री
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कृषि मंत्री इस मेले के समापन पर आए थे और उन्होंने यहां पर सब्जी मंडी का शिलान्यास किया था, जिसके टेंडर लग चुके हैं और अगले वर्ष सब्जी मंडी तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार हर वर्ग के उत्थान में लगी हुई है, जिसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका किसानों को फायदा पहुंचा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने कई सौगातें दी हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी माह में जुखाला क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र में 33 केवी सब स्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर सिविल अस्पताल करने व इस क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इन सभी घोषणाओं को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस क्षेत्र में पुलिस चौकी खुल जाएगी और सिविल अस्पताल का भी उद्घाटन हो जाएगा। 33 केवी सब स्टेशन के लिए टेंडर लगा दिए गए हैं, वे जल्द ही तैयार हो जाएगा। रणधीर शर्मा ने मेले के सफल आयोजन के लिए अपनी तरफ से 51,000 देने की घोषणा की। मेला समिति के अध्यक्ष बालक राम ठाकुर ने मुख्य अतिथि रणधीर शर्मा का मेले में पहुंचने पर धन्यवाद किया तथा स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया। इससे पूर्व हर वर्ष की भांति शिव मंदिर बटोली में पूजन कर वहां से मेला स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रणधीर शर्मा ने भी भाग लिया। मेले के आगाज पर बागवानी विभाग के उप निदेशक, कृषि विभाग के SMS डाइट के प्रधानाचार्य राकेश पाठक, जुखला स्कूल के प्रधानाचार्य दीपक शर्मा, अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।